हाय एवरीवन, आज बात करेंगे बोटॉक्स के बारे में, 5 पॉइंट्स। और ये 5 पॉइंट्स आपको कंप्लीट नॉलेज दे देंगे, बोटॉक्स होता क्यों है, साइड इफेक्ट्स क्या हैं, किस लिए किया जाता है, कब तक लास्ट करता है। सो स्टे ट्यून। मैं डॉक्टर अनविका, एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट, दिल्ली में 12 ईयर से प्रैक्टिस कर रही हूँ। सो दिस इज योर डियर बोटॉक्स। ये इतनी छोटी सी बॉटल में पाउडर्ड फॉर्म में सील्ड पैक आता है। इसके अंदर हम नॉर्मल सलाइन यानी कि नमक का पानी, नॉर्मल सलाइन डाल के इसको लिक्विड फॉर्म में, आप देख सकते हैं कि लिक्विड फॉर्म में प्रिपेयर कर लिया। फिर हम इसको सिरिंजेस के अंदर फिल कर लेते हैं और आपके फेस की मसल्स में इंजेक्ट कर देते हैं। ये जो इंजेक्शन है इसको इंसुलिन सिरिंज कहते हैं। इतनी बारीक, इतनी पतली निडल होती है कि मतलब आपको पेन नहीं होता, आपको सिर्फ एक मच्छर ने काटा जैसी फीलिंग आती है। 15 मिनट्स का प्रोसीजर रहता है। आप डर्मेटोलॉजिस्ट के क्लिनिक में आए, 15 मिनट्स में आपके फेस की मसल्स में इंजेक्शंस दे दिए। इमीडिएटली बाद आप घर जाकर अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज कर सकते हैं। किसी को नहीं पता लगता कि आप कुछ करा कर आए हैं। कोई पोस्ट ट्रीटमेंट प्रिकॉशंस नहीं है। आप जाके मेकअप करें, एक्सरसाइज करें, स्विमिंग करें, यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। नाउ बोटॉक्स लगाते किस लिए हैं और ये करा किस लिए जाता है? आपकी जो फेस की मसल्स है, जब आप इन्हें आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, जैसे मैंने जब स्माइल किया तो मैंने स्माइल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया, आई स्माइल राइट। या मैंने गुस्सा करना है तो मैंने फोरहेड की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया, राइट। अब यहाँ पे ये लाइनें बन गई, मैंने स्माइल करा तो यहाँ पर जो बहुत लोगों की आपने देखी लाइंस बन जाती हैं, या जब वो बात कर रहे होते हैं तो आईब्रोज हम लोग ऊपर उठाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी लाइंस बन जाती हैं। बात करते करते फेशियल एक्सप्रेशंस बनाते समय एकदम से नोज के ऊपर ये लाइंस बन जाती हैं, या जब बंदा बोल रहा होता है तो यहाँ पर आपकी लाइंस बन जाती हैं अराउंड द माउथ, जिसको स्मोकर्स लाइन कहते हैं। तो ये जब आप इससे समझ सकते हैं, ये एक फॉर्म है, राइट। अब आप ये समझ लो कि ये जो फॉर्म है ये मसल है, और ये जो व्हाइट कलर का पेपर मैंने इसके ऊपर लगा रखा है ये स्किन है। तो जो आपकी स्किन है वो स्किन के नीचे मसल्स हैं, उससे वो चिपकी हुई है। अब जब मैंने इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करा तो ऊपर वाले पेपर में भी गुचड़ मुचड़ हो गया। मैंने फोरहेड की मसल को कॉन्ट्रैक्ट करा तो ऊपर वाली स्किन के अंदर ये लाइनें आ गई। तो अगर मैं इस फोरहेड मसल को रिलैक्स कर दूं, यानी कि मैं मसल को इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही, तो फिर जो ऊपर वाली स्किन है वो भी मुचड़ मुचड़ नहीं हो पाएगी, वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगी, तो रिंकल्स नहीं पड़ेंगे। मैंने स्माइल करा, मैंने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा लेकिन इतना ज्यादा नहीं करा कि लाइंस बन जाए। मैंने आईब्रोज ऊपर उठाई लेकिन इतनी ज्यादा नहीं उठा पाई कि आपकी जो है ये लाइंस बन जाए। सो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते ही जो स्किन में गुचड़ मुचड़ होता है, जो रिंकल्स पड़ते हैं, वो नहीं पड़ेंगे अगर मसल को रिलैक्स कर दिया तो। अब हम मसल के अंदर ये इंजेक्शन डाल देते हैं। हमने यहाँ पे डाला, यहाँ पे डाला, यहाँ पे डाला, तो ये मसल्स रिलैक्स हो गई, तो ऊपर स्किन के ऊपर भी रिंकल्स नहीं पड़े। मसल इतनी ज्यादा रिलैक्स नहीं हो रही है कि आप बिल्कुल स्टोन की तरह, पत्थर की तरह लगे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है, वो हल्की सी रिलैक्स हो रही है। एक मसल स्माइल करते हुए इतनी ज्यादा हुए और एक मसल स्माइल करते हुए इतनी सी हुए, तो आप स्माइल कर पाएंगे, आपका फेस एक्सप्रेशन वाला होगा। इट जस्ट दैट इतनी ज्यादा एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी कि जिससे कि ऊपर की स्किन भी गुचड़ मुचड़ हो जाए और रिंकल्स पड़ जाए। तो आपको समझ में आ गया बोटॉक्स है क्या? पाउडर फॉर्म के अंदर अवेलेबल होता है जिसको हम इंसुलिन सिरिंज से इंजेक्ट कर देते हैं 15 मिनट में। इंजेक्ट कहाँ करते हैं? स्किन के नीचे जो मसल है उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं, ताकि मसल जो है रिलैक्स हो जाए, ताकि ऊपर की स्किन भी रिलैक्स हो जाए। ऑलराइट, नाउ व्हाट आर द एग्जैक्ट इंडिकेशंस? फ्राउन लाइंस। फ्राउन लाइंस मतलब जब आप गुस्सा करते हैं तो माथे के बीच में जब ये लाइंस बनती हैं। फोरहेड लाइंस, जब आप आईब्रोज ऊपर करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि फोरहेड के ऊपर लाइंस बनती हैं। क्रो फीट, जब आप स्माइल करते हैं तो आईज के अराउंड जो लाइंस बनती हैं। जब आप फेशियल एक्सप्रेशंस बात कर रहे होते हैं तो बनी लाइंस नोज के अराउंड जो बनती हैं। हम यहाँ पर भी इंजेक्ट कर सकते हैं जिससे कि आपकी आईब्रो लिफ्ट होती है। हम यहाँ पे माउथ के अराउंड करते हैं ताकि स्मोकर्स लाइन चली जाए। हम चिन की मसल में भी करते हैं। जब चिन की मसल एज के साथ क्या होती है, बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाती है, तो ये ऐसे कर देती है आपके फेस को। ये रिलैक्स्ड है तो नीचे है, जब ये एज के साथ ये ओवर एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये इस तरीके से कर देती है, तो यहाँ पे आपको रिंकल सा दिखता है। तो ये आपकी मेंटालिस मसल, चिन मसल को रिलैक्स करने के लिए, इन दो मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, ये दो मसल्स ओवर एक्टिव हो जाती हैं तो एज के साथ आपका एंगल ऑफ माउथ नीचे की तरफ ऐसे हो जाता है, जिससे आप सैड लुक लगती है। तो इन दो मसल्स पे लगाते हैं तो नीचे की तरफ नहीं पुल हुआ तो ये ऊपर हो गया। हम इसको आपके साइड के अंदर, क्या कहते हैं, जॉ मसल्स में भी लगा सकते हैं। ये क्या होता है कि फीमेल्स के अंदर वी शेप इज कंसिडर्ड टू बी मार्क ऑफ ब्यूटी। कईयों के अंदर अगर ये मसल स्ट्रांग है तो आपका वी नहीं,
इस तरीके से स्क्वायर शेप फेस होता है। अब मैंने अगर इस मसल के ऊपर वो बटॉक्स लगा दिया तो ये रिलैक्स होके वी शेप हो गया। तो स्क्वायर शेप फेस को वी शेप करने के लिए भी बटॉक्स किया जाता है। सो दीज आर द इंडिकेशन। 15 मिनट का काम है। रिजल्ट्स कब आते हैं? इंजेक्शन के 7 डेज बाद आप बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिजल्ट्स रहते कब तक है? 4 to 6 मंथ्स तक रहते हैं, यानी कि 6 मंथ्स के बाद अगेन इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। यू आर बैक टू जीरो अगेन, यानी कि आपको साल में 2 बार ये छोटे छोटे प्रिक्स कराने हैं। 2 बार आपको आइडियली साल में बोटॉक्स कराना है। अब बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, 2 क्वेश्चन। मैम एक तो मैं एक्सप्रेशन लेस पत्थर जैसा तो नहीं लगूंगा? बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको बता दिया मसल कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट होने से नहीं रुक रही है, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही है, इतनी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो आप एक्सप्रेशन लेस नहीं लगेंगे, इनफैक्ट ज्यादा रिलैक्स और ब्यूटिफुल लगेंगे। दूसरा मैम, अगर हम सपोज इसका असर चला गया 6 महीने बाद तो मैं और बुरा लगूंगा? एब्सोल्युटली नॉट। आप बैक टू जीरो हो जाओगे लेकिन -1 नहीं होने वाले हो। सो दैट्स हाउ इट इज। तो लॉन्ग टर्म में तो मैम इसके साइड इफेक्ट्स होंगे अगर मैं हर 6 महीने में लगाता रहूं। मैं 12 ईयर से डेली में प्रैक्टिस कर रही हूं। देयर आर सो मेनी ऑफ माय पेशेंट्स जो आई थिंक 6-7 ईयर से हर 6 महीने बाद आके रेगुलरली लगा लेते। मैंने तो आज तक उनमें नहीं देखे, उन्होंने खुद कभी नहीं देखा। सो डोंट वरी, इट्स नॉट गोइंग टू कॉज एनी साइड इफेक्ट्स और एनीथिंग। इट्स अ वेरी सेफ थिंग बिकॉज हम सिर्फ आपकी मसल्स में इंजेक्ट कर रहे हैं। साइड इफेक्ट तब होते हैं जब आप 2 चीजें, या तो आप अच्छी क्वालिटी का बॉटुलिनम टॉक्सिन ना लगाएं। सी, ये अच्छी क्वालिटी का भी आता है, पुअर क्वालिटी का भी आता है। आप ऐसी क्लिनिक से कराएं जहां पे अच्छी क्वालिटी का बॉटुलिनम टॉक्सिन जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा साइड इफेक्ट तब होते हैं जब जो लगाने वाला जो बंदा डॉक्टर है वो एक्सपीरियंस ना हो। देखो जैसे अगर मेरे को इस मसल में इंजेक्ट करना है तो मेरे को पता होना चाहिए कि ये मसल एग्जैक्टली यहीं तक है। मैंने गलती से यहाँ की बजाय यहाँ इंजेक्ट कर दिया तो मेरी इस वाली मसल के अंदर ये चला जाएगा और मेरी अपर आईलिड ड्रूप हो जाएगी, मतलब वो मैं उठा नहीं पाऊंगी। तो एक्चुअली अगर मैंने इस मसल में करना है तो मैं इतनी ज्यादा इधर ना कर दूं कि आईज की मसल में चला जाए और मैं आई मसल में इफेक्ट हो जाए। मतलब आपके इंजेक्टर को, डॉक्टर को एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि उसको कौन सी मसल में कितना अमाउंट इंजेक्ट करना है। यानी कि साइड इफेक्ट तभी होंगे, इनहेरेंटली प्रोसीजर के अंदर साइड इफेक्ट्स नहीं होते, तभी होते हैं जब आपका जो प्रोसीजर है या तो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज नहीं किया गया या फिर इंजेक्टर को एक्सपीरियंस नहीं था, उसने गलत मसल में गलत अमाउंट डाल दिया। अगर सही मसल में सही अमाउंट डाला गया, डोंट वरी, इट्स नॉट गोइंग टू लीड टू एनी साइड इफेक्ट्स। सो दैट्स हाउ इट इज। सो इन शॉर्ट, इन समरी, हमने 5 पॉइंट्स बोटॉक्स के बारे में क्या जाने। एक पाउडर फॉर्म में आता है जिसको इमीडिएटली लिक्विड फॉर्म में बनाकर इंजेक्ट किया जाता है। 15 मिनट का प्रोसीजर है, इमीडिएटली घर जाके जो मर्जी कीजिए। करते कहा का किस लिए किया जाता है? मसल रिलैक्सेंट है, फेस की मसल्स को रिलैक्स करता है ताकि आपकी स्किन पे रिंकल्स ना पड़े, आपका फेस जो है रिलैक्स लगे। किन किन इंडिकेशंस के लिए किया जाता है? फ्राउन लाइंस, फोरहेड लाइंस, स्माइल लाइंस, बनी लाइंस ऑन द नोज, आईब्रो लिफ्ट के लिए, स्मोकर्स लाइन मुंह के अराउंड, चिन मसल के लिए, साइड मसल्स के लिए, जाके ये उसको नीचे की तरफ ना गिराएं। सो दीज आर द फ्यू ऑफ द इंडिकेशन। साइड इफेक्ट्स, राइट क्वालिटी का यूज किया गया है, राइट अमाउंट में, राइट मसल में डाला गया है तो फिर साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। रिजल्ट्स कब तक लास्ट करेंगे? 6 मंथ्स तक लास्ट करते हैं, 4 to 6 मंथ्स तक लास्ट करते हैं। इंजेक्शन के 7th डे वो आ जाते हैं। और लेकिन अगर आप लोअर हाफ ऑफ द फेस के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं, मतलब स्क्वायर शेप को वी शेप में, तो 1-1.5 महीने बाद आते हैं और 6-9 महीने तक रहते हैं। ऑफ लेबल इंडिकेशंस कुछ और जो बोटॉक्स की जाती हैं, नेक की मसल्स में भी की जाती हैं, नेक रिंकल्स के लिए, अंडर आर्म्स में भी की जाती हैं जाके पसीना ना आए, जिनको बहुत ज्यादा पसीना आता है पाम्स एंड सोल्स पे, वहां पे भी इंजेक्ट किया जाता है जबकि आपके जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो रिलैक्स हो जाए और स्वेटिंग ना हो। तो अंडर आर्म्स की स्वेटिंग के लिए, पाम्स और सोल्स की स्वेटिंग के लिए भी बोटॉक्स सेफली किया जा सकता है। सो आपके बोटॉक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, या स्किन एंड हेयर से रिलेटेड कोई भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यू कैन विजिट माय वेबसाइट drunvika.com जहां आप खरीद सकते हैं स्किन एंड हेयर प्रोडक्ट्स, विटामिन सी, रेटिनॉल एंटी एजिंग सीरम, शैम्पूज एंड क्रीम्स एंड लोशंस जो मैंने खुद फॉर्मुलेट करे हैं। एंड डू फॉलो माय इंस्टाग्राम हैंडल बाय द नेम drunvika। कीप स्माइलिंग, हैव अ ग्रेट स्किन एंड हेयर, एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।